आर्मी हमारे बीच में भेड़िए घूम रहे हैं, जो बच्चों को नोचने वाले भेड़िए हैं। इनका रूप हमें मालूम नहीं है, ये हमारे बीच में से ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुकार न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचार पर। चिराला डोडा में नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में ठाठरी में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सोनिया राव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा, अर्षा मनास मंडल प्रधान चिराला, सत्या शर्मा जनरल सेक्रेटरी, भूषण लाल राव मंडल प्रधान चिराला, अनुराधा मंडल प्रधान डोडा, कमलेश देवी मंडल प्रधान चिंता, मंजू चाड़क वाइस प्रेसिडेंट, सुभाष कुमार मंडल प्रधान ठाठरी, कैप्टन जगदीश राज जनरल सेक्रेटरी मंडल ठाठरी, चंपा देवी मंडल प्रधान भागवा मौजूद रहे। उन्होंने एसएचओ से ये गुजारिश की है कि उस लड़की को जल्द ही इंसाफ दिलाया जाए, जिसके जवाब में एसएचओ ने ये कहा है कि उस आरोपी को जल्द ही सजा मिलेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ठाठरी से हमारे संवाददाता विजय शर्मा की ये रिपोर्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जिला डिस्ट्रिक्ट डोडा के महिला मोर्चा श्रीमती सोनिया देवी जी। आई हम इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है किसके रिलेटेड किया है। मैम, सबसे पहला स्वागत आपका। धन्यवाद। जो आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, ये जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जिला डोडा के अंदर पहली बार एक शर्मसार हादसा हुआ है 6 साल की छोटी बच्ची के साथ, तो इसको इंसाफ दिलाने के लिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ पे जो SP है, DSP, उनसे आपने बातचीत की, उन्होंने क्या विश्वास सम्मान? यहाँ पे हमने जो हमारा यहाँ पे कंसल्ट SHO साहब है, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि ये जो केस है इसकी तह तक हम जाएंगे और पूरा पूरा जो उस बच्ची को है हम इंसाफ दिला के रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे रेप केस हुए, उनको जो हक जो है वो बहुत लेट मिलता है, तो आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड ये रहेगी कि उन बच्चियों को इंसाफ जो है लेट मिला है, लेकिन जिला डोडा के अंदर हम इंसाफ दिलाने में हम इतिहास रचेंगे। तो यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं आए, उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, आपने जो ये प्रोटेस्ट किया किसके लिए किया? ये प्रोटेस्ट आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से ये जो हमारे चिराला इलाके में जो एक शर्मसार घटना घटी है, एक छोटी सी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसकी उस बच्ची को जो है इंसाफ दिलाने के लिए हमने ये एक शांतिपूर्ण रैली जो है आज निकाली हुई है। ये सभी जानते हैं कि अपराधी को, सस्पेक्ट को पकड़ा गया है, उसके साथ जो होगा वो होगा, लेकिन हमारी डिमांड ये थी कि इस अपराधी को जो है, जो भी अपराधी है इसका, तो उसको जो है फास्ट ट्रैक पे लेके जल्दी से जल्दी जो है वो सजा सुनाई जाए और इस मामले में कभी भी ढिलाई या कोई भी कोताही ना बरती जाए। क्योंकि आप मैम देख रहे हैं, दो कल ही किश्तवाड़ में भी ऐसा मामला पेश आया, तो 4-5 दिनों में दो ऐसे मामले चिनावली में देखने को मिले। बिल्कुल सर, ये बड़े शर्म की बात है। अगर इसके लिए मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जब निर्भया कांड हुआ था, अगर उस समय हमारी सरकार ने फास्ट ट्रैक पे लेकर उस केस को अगर सॉल्व किया होता, तो आज ये केस जो है हमारे सामने ना आते। क्योंकि ये जो दुष्कर्मी हमारे बीच में भेड़िए घूम रहे हैं, जो बच्चों को नोचने वाले भेड़िए हैं, इनका रूप हमें मालूम नहीं है, ये हमारे बीच में से ही है। और इनको सजा दिलाने में जब पहले ढिलाई हुई है, तो वही ढिलाई कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे नजर आ रही है। अगर उस टाइम पे सही फैसला सही समय पे लिया होता, तो आज ये जो है दिन हमें देखने को ना मिलते। और अब SHO ने क्या आश्वासन दिया आपको? SHO साहब जो है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अपनी जो है बिल्कुल पूरे दिलो जान से जो है वो इस जो है केस की जड़ तक जाएंगे। यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं आए, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो मैम, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, मुझे इसके बारे में बताना आप। ये प्रोटेस्ट जो है ये छोटी बच्ची के लिए था, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कुछ दिनों से जो हमारे
डोडा जिले में जो कुछ हुआ है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसी के लिए ये प्रोटेस्ट था। और हम सब ने यहाँ पे मिल के SHO साहब से बात की, उनसे हमने आश्वासन लिया है, उन्होंने बताया है हमें कि वो जल्द से जल्द इसका इस मामले में जो है संज्ञान लेंगे। और उन्होंने जो अपराधी है उसको उन्होंने कस्टडी में लिया हुआ भी है। अब वो कुछ जो ये रिपोर्ट से उनका वेट कर रहे हैं और हमें पूरा आश्वासन है, पूरी उम्मीद है कि ये केस जो है जल्द से जल्द जो हमने आपको दिया है ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, इसका इतिहास रचना चाहिए। यहाँ की महिलाओं ने, डोडा की महिलाओं ने आवाज उठाई है। पहली बार हमें मतलब डोडा के अंदर ये देखने को मिला, पहले हम ये बाहर सुनते थे तो हमारी रूह कांप उठी, लेकिन आज हमारे साथ हुआ। और सर हम चाहते हैं, हमें आप पे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप जरूर करेंगे, लेकिन सर आप इस इतिहास को जरूर रचाइएगा ताकि हर दरिंदा जो है तो उसकी रूह कांप उठनी चाहिए कि जब वो जुल्म करेगा तो वो हजार बार वो सोचे। हम यही कहना चाहते हैं। कल्प्रिट श्री सुभाष चंद्र प्रेसिडेंट थे, भूषण लाल मनास मंडल प्रधान चिराला मेला मोर्चा। आज मौका 24 जून 2021 को हम एक जुलूस अमन शांति के साथ किया जा रहा है, जिस लड़की का रैप केस मौजा कुंडी तहसील चराना में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ है, नाकाबले बर्दाश्त है। हम इंसाफ चाहते हैं, जिसने ये रैप केस किया है उसको फांसी पर लटकाना जरूरी है ताकि आइंदा डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसी हरकत ना होने पाए। SHO साहब ठाठी सॉरी SHO साहब बहादुर, DC साहब बहादुर और SHO साहब ठाठी चौकी अफसर साहब करार से पूरी उम्मीद करते हैं कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि आइंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा वाकत ना होने पाए। जैन सर।